हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वावलंबी। टुडे इज अवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ पंजाब पटवारी 2021 सीरीज। इन दिस सीरीज वी विल डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। इन टुडेस लेक्चर वी विल डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ मेंसुरेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लोर ऑफ ए रूम इज 25 मीटर लॉन्ग एंड 16 मीटर वाइड। द साइज ऑफ ए ब्रिक इज 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड टू हैव द फ्लोर ऑफ द रूम इज। ठीक है, देखो एक फ्लोर है, फ्लोर दिया हुआ है, फ्लोर की मेरे को लेंथ एंड विड्थ दे रखी है। ठीक है, उसकी लंबाई और चौड़ाई बता रखी है एक फ्लोर की। ठीक है, अब उस पूरे फ्लोर को हमें क्या करना है, ब्रिक्स से कवर करना है, 25 एंड 60। ठीक है, ब्रिक्स से कवर करना है, और जो ब्रिक है उसकी भी हमें बता रखी है 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर की है। ठीक है, जो ब्रिक है 20 बाय 10 सेंटीमीटर की है, अब इसको कवर करना है। ठीक है, अब कवर करने के लिए क्या होगा, दोनों का एरिया बराबर होना चाहिए, तो हमें पूछा क्या है कितनी ब्रिक्स लगेंगी। ठीक है, हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है, दोनों का एरिया क्षेत्रफल हम बराबर कर देंगे। ठीक है, फ्लोर का क्षेत्रफल क्या आएगा, 25 इंटू 16। ठीक है, लेकिन एक बार ध्यान रखनी है, जो ये इसका यूनिट है वो है मीटर। ठीक है, और जो ब्रिक का यूनिट है वो है सेंटीमीटर, और हमें पता है कि 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दोनों मीटर में है, इन दोनों को हम सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 इंटू 100 कर लेते हैं। ठीक है, ये किसके बराबर होना चाहिए, जितनी ब्रिक्स लगेंगी और उस नंबर ऑफ ब्रिक्स इंटू एक ब्रिक का एरिया। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रिक्स मान लेते हैं एक्स लगेगी। ठीक है, तो एक ब्रिक का एरिया क्या आएगा, इंटू 20 इंटू 10। ठीक है, ये 1 ब्रिक का एरिया है, इसको नंबर ऑफ ब्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल ब्रिक्स का एरिया आ जाएगा, वो किसके बराबर होना चाहिए, फ्लोर के। यहां से हमारे नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल आएगी। ठीक है, वो क्या आएगी हमारी, ठीक है, इसको हम सोल्व कर लेंगे। यह आ जाएगा मेरा 200 इंटू 100, ये मेरा हो जाएगा 20,000। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का, डी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, ए बॉक्स 1 मीटर लॉन्ग एंड 50 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 25 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, एक बॉक्स है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, फिल्ड विद पैकेट्स, और उसको पैकेट से भर दिया किसी चीज के, उसकी भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। द नंबर ऑफ पैकेट, देखो सेम कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे हमने एरिया निकाला है, क्योंकि हमने फ्लोर को कवर करना था, उसकी सिर्फ पृष्ठ को कवर करना था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या निकालेंगे हम, आयतन। ठीक है, वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि वॉल्यूम कवर होगा जिस बॉक्स में हम फिल करेंगे। ठीक है, किसी चीज को जब फिल करना होता है किसी चीज के अंदर, तो हमें आयतन वॉल्यूम निकालना होता है। ठीक है, बॉक्स का वॉल्यूम क्या आएगा, देखो यहाँ पे ये मीटर में है, बाकी सारे सेंटीमीटर में है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, 100 मान लेंगे। ठीक है, 100 इंटू 50 इंटू 25, ये बॉक्स का आयतन वॉल्यूम आ गया। ठीक है, ये किसके बराबर होना चाहिए, जितने पैकेट्स फिल करेंगे, नंबर ऑफ पैकेट्स इंटू एक, एक पैकेट का वॉल्यूम, एक पैकेट का वॉल्यूम क्या आएगा, 5 इंटू 4 इंटू 2। ठीक है, यहां से नंबर ऑफ पैकेट्स हमारे निकल आएंगे। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है, ये मेरा आ जाएगा 3125। मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि मैं हर बार इक्वेशन बनाऊं, अब मुझे पता लग गया कि नंबर ऑफ किसी भी चीज के नंबर निकालने हैं, अगर एरिया में निकालने तो ऊपर जिस चीज को कवर करना है उसका एरिया, नीचे जिस चीज से कवर करना है, और यहाँ पे क्या है, जिस चीज में फिल करने हैं उसका एरिया, नीचे जो चीज फिल करनी है। ठीक है, उसका वॉल्यूम। नेक्स्ट चलते हैं, द रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड, एक खेत है जो क्या है, रेक्टेंगल शेप का है, और रेक्टेंगल होता है हमारा आयत। ठीक है, आयत शेप का है, उसकी हमें फील्ड 2 मीटर लॉन्ग, उसकी लेंथ दे रखी है। ठीक है, आयत बना लेता हूं मैं, इसकी हमें लेंथ दे रखी है 242, एंड गोटन एरिया, एरिया दे रखा है। एरिया क्या होता है एक आयत का, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ, वो क्या होता है, एरिया, क्षेत्रफल। ठीक है, वो कितना दे रखा है मेरे को, 4840। ठीक है, अब देखो मेरे को लंबाई भी पड़ता है तो मैं चौड़ाई निकाल लूंगा। ठीक है, तो चौड़ाई मेरी क्या आ जाएगी, यहां से 4840 अपॉन लेंथ, लेंथ मेरी कितनी गिवन है, 242। ठीक है, ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 20। तो इसकी जो विड्थ है,
चौड़ाई है वो कितनी आ गई 20। अब क्या करना है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड ऑन ऑल फोर साइड्स इफ 1 मीटर ऑफ फेंसिंग कॉस्ट 10 रुपीज। ठीक है, इसको चारों तरफ से फेंस से कवर करना है। ठीक है, यानी कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर मेरा क्या होता है, जो इसकी परिमिति है, ठीक है, वो हमें कैलकुलेट करनी है। वो होती क्या है हमारी आयत के केस में, रेक्टेंगल के, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, देखो एक लेंथ ये होगी, एक लेंथ ये, तो एक ब्रेथ ये, एक ब्रेथ ये। ठीक है, तो 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई। ठीक है, ये तो आ जाएगा टोटल मेरे को कितने मीटर चाहिए उसकी फेंसिंग बनाने के लिए, इंटू 10 कर दूंगा क्योंकि मेरे को कॉस्ट निकालनी है, तो यहां से मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेंथ 242 है प्लस 20 करेंगे 262 इंटू 10, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 5240। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन आ जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, एक गार्डन है आयत शेप का विद मेजर्स, उसकी मेजर्स दे रखी है लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, ए लॉन इज लेड एट द सेंटर लीविंग ए 2 मीटर वाइड पाथ। ठीक है, उसके सेंटर में लॉन बनाया है। पहले मैं एक रेक्टेंगुलर गार्डन बना लेता हूं। ठीक है, इसकी मेरे को लंबाई और चौड़ाई दे रखी है 15 बाय 12। ठीक है, अब इसके अंदर हमने एक लॉन बनाना है। ठीक है, एक गार्डन बनाना है लीविंग ए 2 मीटर वाइड पाथ, उसके आसपास 2 मीटर का पाथ छोड़ के। ठीक है, ये बन गया हमारा, और जो ये पाथ मैंने छोड़ा है ये कितना है, ये हमारा 2 मीटर है। ठीक है, सारी लंबाई चौड़ाई कितनी है 2। ठीक है, अब क्या है, द एरिया ऑफ द पाथ, पाथ का एरिया निकालना है इसका एरिया। ठीक है, कैसे निकाल लेंगे, देखो पाथ का एरिया ये वाला हो गया। ठीक है, जो मैं शेड कर रहा हूं, अगर मैं बाहर वाले आयत में से अंदर वाले आयत का एरिया माइनस कर दूं तो पाथ का एरिया आ जाएगा। ठीक है, बाहर वाले रेक्टेंगल में से अंदर वाला रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा, बाहर वाले रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होगा, 15 इंटू 12। अब आ गया अंदर वाले का, देखो ये हमारी चौड़ाई 12 है, 12 में से 2 ऊपर माइनस हो गए, 2 नीचे माइनस हो गए, तो इसकी कितनी आ जाएगी चौड़ाई हमारी, 12 में से 2 ऊपर गए 2 नीचे, तो 8। सिमिलरली जो ये इसकी लेंथ आ जाएगी अंदर वाले की कितनी आएगी, 2 यहां से कम हो गए, 2 यहां से, टोटल 15 थी ऐसे। ठीक है, तो 4 कम हो गए तो 11, तो इसमें से 8 इंटू 11 माइनस कर देंगे हम। ठीक है, तो मेरा आंसर आ जाएगा, ये मेरा आएगा 180 माइनस 88, मेरा आंसर आ गया 92। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी होता है एक, पर मैं प्रेफर नहीं करूंगा आपको, इससे इजी आंसर आ जाता है। ठीक है, आप कंसेप्ट लगाओ, ये आपको हर बार फिगर ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको माइंड में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर मेरा आ जाएगा 92 मेरा है ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड। ठीक है, एक घनाभ की हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, इट्स सरफेस एरिया, उसकी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, पृष्ठ के क्षेत्रफल का हमारा घनाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। ठीक है, 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, बस इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, जो घनाभ होता है उसके कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ। ठीक है, 2 2 पृष्ठ जो आमने सामने होते हैं उनका एरिया सेम होता है, तो हमने तीनों पृष्ठ का एरिया निकाल के उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जैसे हम किसी रूम में हैं तो रूम के फ्लोर और छत का एरिया सेम होगा, जो आमने सामने वाली दीवारें हैं उनका एरिया सेम होगा। ठीक है, अब इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है, 15 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 15, यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर। ठीक है, स्फीयर का रेडियस, रेडियस होता है हमारी त्रिज्या या अर्धव्यास। ठीक है, जो त्रिज्या है हमारी स्फीयर की, स्फीयर जो होता है हमारा होता है गोला बोलते हैं। ठीक है, इज 9 सेंटीमीटर। एक स्फीयर है, इसका हमें त्रिज्या रेडियस दे रखी है 9 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू ए वायर, इसको मेल्ट कर दिया। ठीक है, मेल्ट करके हमने क्या बना लिया, वायर। ठीक है, वायर किस शेप में होती है हमारी, सिलेंडर के शेप में। ठीक है, वायर किस शेप में होती है हमारी, सिलेंडर, बेलन के शेप में। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, द वायर ऑफ डायमीटर 2 mm, डायमीटर होता है व्यास। ठीक है, इसका पूरे का व्यास कितना है, 2 mm, ध्यान रखना ये mm है
और यहाँ पे सेंटीमीटर है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर जो होता है हमारा 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द वायर, इस वायर की लेंथ यानी कि हाइट निकालनी है हमें बेलन की, ठीक है। अब देखो इस दोनों केसों में इन दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, उसी चीज को मेल्ट करके बनाया है हमने, ठीक है। वॉल्यूम सेम यानी कि आयतन सेम। अब स्फीयर का वॉल्यूम मेरा क्या होता है, 4/3 πr³, ठीक है। रेडियस का क्यूब यानी कि 9³, और उसका वॉल्यूम क्या आएगा, πr² रेडियस, त्रिज्या का स्केयर, त्रिज्या कितनी है 2 mm, यानी कि ये क्या है व्यास, तो त्रिज्या क्या होगी 1 mm, ठीक है। mm को अगर सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 1 mm = 1/10 cm, तो 1/10, ठीक है। ये इसका रेडियस आ गया πr² × h, और h मेरे को निकालना है, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। h की वैल्यू मेरी आ जाएगी 4/3 × 9 × 9 × 9 × 10 × 10, ठीक है। जो ये मेरा आंसर आएगा किस में आएगा, ये सेंटीमीटर में, ठीक है। लेकिन मेरे से पूछा गया था लेंथ ऑफ वायर इन मीटर, ठीक है, तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो मेरा आंसर किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा फिर, ठीक है, सेंटीमीटर में नहीं मीटर में, तो ये कैंसिल आउट हो गया 12 × 81 आ जाएगा, और ये मेरा आंसर आ जाएगा 972, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, द बेस एंड हाइट, ठीक है, ऑफ ए ट्रायंगल, एक त्रिभुज की, ठीक है, हमें आधार और उसकी ऊंचाई दे रखी है, आर इन रेशो, रेशो दे रखी है, ठीक है, त्रिभुज की बेस एंड हाइट की, आधार और ऊंचाई की, 3:4, ठीक है। जो चीज रेशो में होती है, यानी कि हम ये भी सपोज कर सकते हैं 3x और 4x है। इफ द एरिया इट्स हाइट, ठीक है, एरिया गिवन है और उसकी हमें ऊंचाई निकालनी है, उसका क्षेत्रफल गिवन है, ठीक है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 × बेस × हाइट, आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, ये कितना गिवन है 150। यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, यानी कि 1/2 × 3x × 4x = 150, ठीक है। अब इसको अगर मैं सोल्व कर लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा x² = 150 × 2/4 × 3, ठीक है, ये मेरा आ गया 25, ठीक है। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5² तो मेरी x की वैल्यू क्या आ गई, 5, ठीक है। अगर x की वैल्यू 5 आ गई तो बेस मेरा क्या आ गया, 3x, यानी कि 3 × 5 = 15, और मेरी हाइट कितनी आ जाएगी, 4 × 5 = 20, तो ये मेरे बेस और हाइट आ गई, ठीक है। पूछा क्या है मेरे से, हाइट, हाइट क्या आ गई मेरी 20, तो मेरा आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम क्या होता है हमारा, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, उस बेस इज 12 एंड द कोरस्पोंडिंग हाइट, जो हमारा समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, इसका हमें बेस गिवन है 12 और इसकी हाइट, ये हाइट, ठीक है, ये हमें गिवन है 45 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में ही हमें क्या निकालना है, इसका एरिया, एरिया क्या होता है समांतर चतुर्भुज का, ठीक है, बेस इंटू हाइट ही होता है, ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई, तो वो हम निकाल लेंगे, ठीक है, बहुत इजी, आप इसको इजीली भी प्रूव कर सकते हो। देखो पैरेललोग्राम को हाफ में डिवाइड कर लो, ठीक है, अब दो ट्रायंगल बन जाएंगे, एक त्रिभुज, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, ये भी 12 होती है, आमने सामने की भुजाएं, ठीक है, इनकी लेंथ इक्वल होती है, लंबाई, ठीक है, तो इसका एरिया निकालूंगा 1/2 × बेस × हाइट, 45 ही रहेगी, ठीक है, इस ट्रायंगल की हाइट भी 45 है, नीचे वाली ट्रायंगल की हाइट भी 45 है, तो 1/2 × बेस × 45 1/2 × बेस × 45 1/2 जब हम ऐड करेंगे खत्म होके 1 बन जाएगा, तो बेस इंटू हाइट आ जाएगा, ठीक है, तो आंसर मेरा 12 × 45 आएगा, जो मेरा 540 आ जाएगा, तो मेरा आंसर आ गया डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम मेरा क्या होता है, समलंब चतुर्भुज, ठीक है, ट्रेपीजियम क्या होता है, समलंब चतुर्भुज, उसकी जो पैरेलल साइड्स हैं, जो समांतर भुजाएं हैं, ठीक है, वो ए एंड बी हैं, ठीक है, ये मेरा ट्रेपीजियम हो गया, पैरेलल साइड्स, ये वाली पैरेलल साइड्स हैं ए एंड बी, हैविंग ए डिस्टेंस, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, एच का, ठीक है, गिवन बाय, तो इसका एरिया क्या होगा,
अब इसका एरिया सेम जैसे हमने ऊपर निकाला है वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसकी साइड को ज्वाइन कर दो तो दो ट्रायंगल बन गई। ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू बेस, आधार इंटू ऊंचाई एच ही है उसकी, ठीक है। नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू बेस बी है, हाइट एच है, ठीक है। तो इसमें से हाफ एच कॉमन निकल जाएगा तो टोटल का एरिया क्या आ गया, हाफ एच ए प्लस बी, ठीक है। हाफ इंटू समांतर भुजाओं का जोड़ इंटू हाइट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एक क्लोज्ड बॉक्स हैज एक्सटर्नल लेंथ, एक्सटर्नल लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखी है, ठीक है। क्लोज बॉक्स है, ठीक है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है बाहर की, ठीक है, और उसकी थिकनेस भी दे रखी है, ठीक है। एक बार हम एक बॉक्स का ना टॉप व्यू लेते हैं, ठीक है। मैं बॉक्स को ऊपर से देखूं तो मान लो वो ऐसा है, ठीक है, और ये उसके अंदर खाली जगह है, और ये जिस मटेरियल से बना है वो मटेरियल है, ठीक है। अब देखो बाहर की मेरे को अगर मान लो ये लंबाई एल गिवन है तो अंदर की लंबाई कितनी होगी, जितनी जगह में हम सामान भर सकते हैं। मान लो ये चौड़ाई अगर एक्स है तो एक्स यहां से माइनस हो गया, एक्स यहां से माइनस हो गया, ठीक है। तो अंदर वाले की कितनी बचेगी, एल माइनस 2x, ठीक है। अंदर क्या बचेगी, l माइनस 2x। उसी तरह चौड़ाई भी दो दो कम हो जाएगी और हाइट भी, ठीक है। तो अगर बाहर का एक्सटर्नल की लंबाई चौड़ाई l बी h है तो अंदर वाले की जितनी जगह पे सामान फिल होगा कैपेसिटी वही होती है, ठीक है। उसकी लंबाई चौड़ाई क्या आएगी, l माइनस 2x, b माइनस 2x और h माइनस 2x। यहाँ पे x क्या है, थिकनेस ऑफ वॉल्स, जिस मटेरियल से बना है उसकी थिकनेस, ठीक है। अब कैपेसिटी क्या होती है, आयतन, तो क्या करना पड़ेगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एल माइनस टू एक्स इंटू बी माइनस टू एक्स इंटू एच माइनस टू एक्स, ये उसकी क्या जाएगी, कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या होती है, हमारी वॉल्यूम, ठीक है। तो मैंने इसका वॉल्यूम निकाल दिया। नेक्स्ट चलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, सभी भुजाएं इसकी। मैं अगर ए मान लूं तो इसका एरिया पूछा है, ठीक है। एरिया कैसे निकालेंगे, हम प्रूव करते थे, यहां से परपेंडिकुलर एक लंब खींच लेते थे जो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ए बाय टू, ठीक है। यहां से हम इसकी हाइट निकाल लेंगे क्योंकि ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस लगा के, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, ये बेस है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, उसको स्क्वायर रूट कर देंगे तो हाइट आ जाएगी, ठीक है। याद है आपको पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, मेरी बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यहां से हम हाइट निकाल लेंगे तो इसकी हाइट क्या आ जाएगी मेरे पास, रूट में ए स्क्वायर माइनस ए बाय टू का स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा आ जाएगा रूट, ये ए स्क्वायर बाय फोर आ जाएगा तो फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन फोर, यहां से हाफ बाहर निकल आएगा क्योंकि फोर को मैं टू इंटू टू लिख सकता हूं, ये थ्री ए स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ए भी बाहर आ जाएगा, रूट थ्री, ठीक है, ये होती है रूट थ्री बाय टू। ये भी आप याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो ये होती है, ठीक है। अब इसका एरिया क्या आएगा, एरिया आएगा हाफ इंटू बेस, बेस यानी कि आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई मैंने अभी निकाल ली है, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद ही रखना एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर, ये इसका एरिया होता है, ठीक है, ये हाइट होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द हाइट ऑफ आइसोसीलियस ट्रायंगल। आइसोसीलियस ट्रायंगल क्या होता है, सम द्विबाहु जिसकी दो भुजाएं इक्वल होती हैं, ठीक है, जो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसकी क्या पूछी है, हमें हाइट निकालनी है, ठीक है, विद इक्वल साइड्स, जो इक्वल साइड्स हैं वो एक्स गिवन है और जो बेस है वो वाई, ठीक है। जो कंसेप्ट मैंने अभी ऊपर निकाला लगाया ना हाइट निकालने के लिए, वही लगाएंगे, यहां से एक लंब खींच लेंगे, ठीक है। अब लंब की लंबाई निकालनी है, वही हाइट होगी, ये वाई बाय टू हो जाएगा, ठीक है, वही पाइथागोरस लगा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाय टू का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो यही वही आ जाएगा, ठीक है। ये फोर बन जाएगा तो फोर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन फोर का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये टू बाहर आ जाएगा तो वन बाय टू अंडर रूट फोर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या जाएगा,
फोर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिलेंडर इफ रेडियस इज हाफ एंड हाइट इज डबल द वॉल्यूम विल बी। ठीक है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर बेलन। ठीक है, जो सिलेंडर है इसका मुझे एक बोला हुआ कि अगर मैं इसका त्रिज्या को आधा कर दूं और ऊंचाई को दुगना कर दूं तो उसके आयतन पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले इसका वॉल्यूम होता क्या है, आयतन, वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पहले मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा, फिर हम एक दूसरा मेथड करेंगे इसका। ठीक है, इसमें हम मान लेते हैं कि उसका रेडियस 1 है और हाइट 1 है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वी 1 फर्स्ट केस में, आर को 1 पुट कर दो, एच को 1 पुट कर दो तो पाई आ जाएगा। ठीक है, सेकंड केस में क्या करना है, अब देखो उसने बोला है कि उसकी त्रिज्या को क्या कर दिया, हाफ, यानी कि आर की वैल्यू अब हम क्या लेंगे, 1/2, और हाइट को क्या कर दिया, ऊंचाई को दुगना। ठीक है, तो एच की वैल्यू क्या लेंगे, 2, दुगना कर दिया। ठीक है, अब वॉल्यूम निकाल लूंगा तो यहाँ पे आएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि 1/2 का स्क्वायर, 1/2 इंटू 1/2 इंटू हाइट 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरा आ गया पाई बाय 2। ठीक है, यानी कि पुराना वॉल्यूम पाई था तो नया कितना है पाई बाय 2, तो वॉल्यूम क्या हो गया, हाफ, आधा हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, लेकिन हम इसको सिंपल तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, ये हमने परसेंटेज चेंज की सीरीज बना रखी है, परसेंटेज की आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, देखो रेडियस हाफ होने का मतलब क्या हो गया, 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 कर दिया हमने। ठीक है, हाइट डबल होगी तो 2 कर दिया। ये दो बार क्यों लिखा है, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है और हाइट एक टाइम पे है, तो ओवरऑल क्या आ गया मेरे पास, चेंज 1/2। ठीक है, यानी कि अगर पहले वॉल्यूम 2 था तो अब वॉल्यूम कितना हो गया, 1, तो कितना हो गया, हाफ। ठीक है, ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का कंसेप्ट है। ठीक है, आप देख सकते हो हमारी परसेंटेज की प्लेलिस्ट में जाके। नेक्स्ट चलते हैं, द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है हमारा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, इज 8, एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूं। ठीक है, इसमें ये एंगल 90 है, इज 8 सेंटीमीटर का बेस, बेस का कौन सा होता है, जो 90 डिग्री एंगल के साथ होते हैं, उनमें से एक बेस होता है। ठीक है, दूसरा हमारा हाइट होती है, ये बेस ले लेता हूँ, एंड हाइपोटेन्यूज जो 90 की ऑपोजिट साइड होती है। ठीक है, ये 10 है, तो क्या निकालना है, एरिया। देखो इजी है, अब एरिया निकालने के लिए बेस इंटू हाइट इंटू हाफ करना है, तो मेरे को हाइट निकालनी है, हाइट क्या आएगी इसकी। ठीक है, जो ये वैल्यूज होती है ना, इसे हम बोलते हैं ट्रिपलेट्स। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट, जो सबसे बेसिक ट्रिपलेट है वो है हमारा 3, 4, 5। ठीक है, 3 square 9, 4 square 16, 5 square 25, 9 plus 16, 25, 25 ठीक है, तो आप ये याद ही कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारा 5, 12, 13 है, ये भी हमारे ट्रिपलेट है। ठीक है, 25 plus 144, 169। ठीक है, तो इसके मल्टीपल भी ट्रिपलेट होंगे। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। ठीक है, नहीं तो आप निकाल सकते हो 100 का 100 माइनस 64, वो 36 आ जाएगा, 36 का अंडर रूट 6 होता है। ठीक है, अब इसका एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू बेस क्या है, 8 इंटू हाइट। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 24, तो जो है मेरा ए ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए रूम ऑफ डायमेंशन। ठीक है, एक रूम है, ठीक है, उसमें सबसे लंबी रोड में कौन सी रख सकता हूँ। ठीक है, एक सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ, जैसे एक मान लो फ्लोर है, ग्राउंड। ठीक है, इसमें सबसे लंबी रोड कौन सी रख सकता हूँ, जो इसका विकर्ण है, ये सबसे लंबी रोड आएगी। ठीक है, अगर मान लो इसकी लेंथ ए है और ये बी है, तो ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज बन गया ना राइट एंगल ट्रायंगल का, तो ये लेंथ कितनी आएगी, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमको एक रूम में पूछा है, रूम में कैसे रखेंगे, देखो एक टॉप कॉर्नर पे जाएगा सीलिंग के, उसके ऑपोजिट जो ग्राउंड फ्लोर पे कॉर्नर है वैसे रोड रखी जाएगी। ठीक है, वो क्या होगी हमारी, उसकी लेंथ पूरे रूम का विकर्ण हो गया वो। ठीक है, वो क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि तो हम लिख सकते हैं लेंथ स्क्वायर ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, तो इनको कर देंगे 100 प्लस 64 प्लस 36, ये मेरा आ जाएगा √200, 10 आउट बाहर निकल जाएगा, 10 √2, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। फटाफट नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, 100 हेक्टेयर्स आर इक्वल टू,
जो मेरा 1 हेक्टेयर होता है ना, ये मेरा क्या होता है, 100 मीटर इंटू 100 मीटर का फील्ड होता है, ठीक है। तो 100 हेक्टेयर क्या हो गए मेरे, 100 × 100 × 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 10^6 मीटर स्क्वायर। अब मेरे से पूछा क्या है, इसको किलोमीटर स्क्वायर में चेंज करना है, ठीक है। अब मेरे को पता है 1 किलोमीटर क्या होता है हमारा, 1000 मीटर, ठीक है। अगर मैं यहां से 1 मीटर की वैल्यू निकालू, 1 मीटर की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 1/1000 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि 1 × 10^-3 किलोमीटर, ठीक है। अगर मैं यहां से 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूं, तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 10^-6 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि अगर मीटर स्क्वायर को किलोमीटर स्क्वायर में चेंज करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10^-6 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा, 10^6 × 10^-6, ठीक है, इंटू ये किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया मेरा, 1 किलोमीटर, ठीक है। तो आंसर मेरा आ गया ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल, एक आयत है, ठीक है, उसकी लंबाई चौड़ाई, कहता अगर मैं लंबाई को 50% बढ़ा दूं और चौड़ाई को 20% बढ़ा दूं, तो उसके एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब देखो सिंपल सा है, आयत है, उसका एरिया क्या होता है हमारा, क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। अब देखो पहले हम बिल्कुल बेसिक केस में कर लेते हैं, मान लो लंबाई 100 है और चौड़ाई 50 है, तो 100 × 50 5000 आ गया, ठीक है। अब उसने सेकंड केस में ले लेते हैं, सेकंड केस में क्या किया, 50% बढ़ा दिया, तो लंबाई को अगर मैं 50% बढ़ाऊंगा तो 150 हो जाएगा, और 20% होता है मेरा 1/5, तो इसको 1/5 बढ़ा दूंगा, तो यानी कि 10 बढ़ाना पड़ेगा, तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा 90, ठीक है। 5000 से 9000 हो गया, यानी कि इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9/5, ठीक है। देखो इसको अगर मैं 9/5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 9000 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि क्या हो गया, 9/10 हो गया, ठीक है। जो हमारा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट है वो कैसे लगाएंगे, 50% होता है 1/2 इंक्रीज, 1/2 इंक्रीज यानी कि 3/2 हो गया, ठीक है। 20% इंक्रीज यानी कि 1/5 इंक्रीज यानी कि 6/5 हो गया, ठीक है, तो ये मेरा आ गया 9/5। इसका मतलब क्या है कि अगर पहले एरिया 5 था तो अब कितना है, 9, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, परसेंटेज में सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की। नेक्स्ट चलते हैं, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज डबल, डायगोनल होता है हमारा विकर्ण, स्क्वायर होता है वर्ग, ठीक है। एक वर्ग के विकर्ण को डबल करके एक अनदर वर्ग का विकर्ण बना दिया गया, ठीक है। मैं डायग्राम से बताता हूं आपको, एक स्क्वायर है, ठीक है, इसका डायगोनल है, इस डायगोनल को डबल कर दिया और एक और स्क्वायर का डायगोनल बना दिया, ठीक है। तो पूछा है कि दोनों के एरिया में क्या फर्क होगा, ठीक है, यहां से यहां जाने में एरिया में क्या फर्क आएगा, ठीक है। इसके साइड मान लेते हैं एक्स है, ठीक है, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, और ये क्या होता है, 90 डिग्री, वर्ग के सभी कोण 90 होते हैं, तो ये मेरा क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है हमारा, समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज की हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे पाइथागोरस लगा के, ये मेरी आएगी √2x, आप निकाल के देख लेना, ठीक है। चलो मैं निकाल ही देता हूँ, √2x, ठीक है, 2x² √2, तो ये मेरा आ गया √2x, ठीक है। यानी कि एक्स को हमेशा बस √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्ग का मेरे पास विकर्ण आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला, इसको डबल करके एक और वर्ग का विकर्ण बना दिया, इसको डबल करना है, यानी कि ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 2√2x, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे मैंने √2 से मल्टीप्लाई करके विकर्ण बनाया, इसको √2 से डिवाइड कर दो तो साइड आ जाएगी मेरे पास 2x, ठीक है। यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई करके विकर्ण, विकर्ण को √2 से डिवाइड करके साइड, ये आप याद रखो वर्ग के लिए, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा के भी निकाल सकते थे। अब इसका एरिया क्या आएगा, x² साइड इंटू साइड होता है, ठीक है, भुजा इंटू भुजा क्षेत्रफल, इसका क्या आएगा, 2x का स्क्वायर करूंगा 4x², तो एरिया क्या हो गया हमारा, 4 times, तो हमारा सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द फील्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल हुज बेस इज दिस एंड हाइट इज दिस, ठीक है। अब देखो प्लांटिंग करनी है और 100 रुपीज पर मीटर स्क्वायर लगता है, यानी कि एरिया निकालना पड़ेगा त्रिभुज का, ठीक है। त्रिभुज का एरिया क्या होता है, हाफ
इंटू बेस इंटू हाइट आधार इंटू ऊंचाई, आधार मेरे को दे रखी है ठीक है 2.8 यानी कि 28 बाई 10 इंटू 3.2 यानी कि 32 बाई 10, ये मेरे पास एरिया जाएगा ठीक है। अब पर मीटर स्क्वेयर एरिया पे 100 रुपीज लगते हैं तो इतने मीटर स्क्वेयर एरिया पे कितना लगेगा इंटू 100 ठीक है, यहां से मेरा आंसर आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया 14, तो मेरा आंसर क्या आएगा 14 इंटू 32 जो मेरा होता है 448 ठीक है, तो आंसर मेरा बी ऑप्शन आ गया ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं द एरिया ऑफ रोम्बस ठीक है, रोम्बस क्या होता है इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं ठीक है, सभी भुजाएं बराबर सम चतुर्भुज ठीक है, इसका एरिया दे रखा है मेरे को 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज दिस, एक विकर्ण दे रखा है और दूसरा विकर्ण पूछा है, जो इसका एरिया होता है ना सम चतुर्भुज का ये क्या होता है हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू ठीक है, यानी कि पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण ठीक है। अब एरिया मेरे को 850 दे रखा है ठीक है और मेरे को एक विकर्ण निकालना है, तो क्या करेंगे 850 इंटू टू इसको हम सोल्व कर लेते हैं ठीक है, 850 इंटू टू डिवाइडेड बाय विकर्ण ठीक है, विकर्ण कितना है पहले वाला एक 34, मेरा आंसर क्या आ जाएगा इसका दूसरा विकर्ण होगा वो होगा 50 सेंटीमीटर ठीक है। नेक्स्ट है थ्री क्यूब्स ऑफ आयरन ठीक है, क्यूब्स होता है घन एब्जिस, उनका हमें भुजा दे रखी है तीन क्यूब्स की ठीक है घन की, आर मेल्टेड उनको पिघला लिया और एक बड़ा क्यूब बना लिया ठीक है, तीन छोटे छोटे क्यूब को पिघला के बड़ा क्यूब बना लिया, द एज ऑफ न्यू क्यूब, न्यू क्यूब की एज बतानी है ठीक है, देखो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ठीक है, जो आयतन है वो सेम रहेगा, तो इन तीनों का आयतन क्या होता है हमारा क्यूब का, क्यूब का आयतन होता है मेरा साइड क्यूब ठीक है, यानी कि भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, तो इसका क्या आएगा 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब ठीक है। अब जो तीनों को मिला के एक बड़ा बनेगा उसका मेरे को पता नहीं है, तो उसको मैं एक्स क्यूब ले लेता हूँ ठीक है, ये इक्वल आने चाहिए, यहां से मेरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी ठीक है, ये मेरा आएगा 216 प्लस 512 प्लस 1000 ठीक है, ये मेरा आ जाएगा एक्स क्यूब, ये मेरा बराबर होता है 1728, ये एक्स क्यूब हो गया, ये होता है 12 का क्यूब, तो 12 क्यूब मेरा आ गया एक्स क्यूब, तो यहां से मेरी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 12 सेंटीमीटर ठीक है। तीन छोटे क्यूब्स को पिघला के एक बड़ा क्यूब बनाया है, तो वॉल्यूम सेम होगा आयतन ठीक है, आयतन साइड क्यूब होता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है इफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ठीक है, एक वर्ग एंड ए रेक्टेंगल आर सेम, दोनों का परिमाप ठीक है परिमाप सेम है, देन द एरिया ए एंड बी इंक्लोज्ड बाय देम वुड सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी ठीक है, एक स्क्वायर है इसका एरिया ए है, एक रेक्टेंगल है ठीक है आयत और वर्ग, इसका एरिया बी है, तो अब ये बताने इन दोनों का पेरीमीटर सेम है ठीक है, इनका परिमिति सेम है, यानी कि अगर मान लो ये x है तो इसकी परिमिति 4x होगी, अगर ये l और b है तो इसकी परिमिति 2 टाइम्स l प्लस b होगी, ये दोनों इक्वल है ठीक है, तो बताना एरिया किसका ज्यादा है ठीक है। अब देखो ऐसी सिचुएशन में हमेशा याद रखना ठीक है, जो सिमेट्रिकल इमेज होगी उसका एरिया हमेशा ज्यादा होगा ठीक है, यानी कि सिमेट्रिकल यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिकल का होता है इसकी साइड्स ज्यादातर इक्वल है ठीक है। अब देखो आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट समझाता हूँ, मान लो 10 है, 10 को हमें टू फैक्टर्स में तोड़ना है जिनकी मल्टीप्लाई मैक्सिमम हो, वो कब होगी जब दोनों इक्वल होंगे, अब देखो 5 इनटू 5 करूंगा इसको, 10 को ब्रेक कर दिया 5 और 5 में, तो ये 25 आ गया प्रोडक्ट ठीक है, अगर मान लो कोई और भी लूं मैं जैसे 6 इनटू 4 ये हमेशा 25 से कम आएगा ठीक है, 7 इनटू 3 21, 8 इनटू 2 16, तो सबसे बड़ा क्या होगा जब साइड्स इक्वल होंगी, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा ए ग्रेटर देन बी आएगा ठीक है, तो क्या ऑप्शन आ जाएगा मेरा बी ऑप्शन। इसी तरह अगर मान लो त्रिभुज के केस में भी पूछ ले, एक हमारा समद्विबाहु है, एक समबाहु है ठीक है और एक स्कैलीन है ठीक है, विषम त्रिभुज ठीक है, तो इनमें से तीनों का पेरीमीटर सेम है, तो एरिया किसका ज्यादा होगा, तो आपको कहना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का ठीक है, तो एरिया किसका ज्यादा होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि उसकी साइड्स बराबर है और मोर सिमेट्रिकल इमेज है ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ठीक है, द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज, राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूं जिसमें एक कोण 90 होता है ठीक है,
ठीक है, समकोण त्रिभुज द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 5 एंड हाइपोटेन्यूज इज 8। ठीक है, मैंने अभी ट्रिपलेट बताया था आपको एक 5 12 13। ठीक है, तो ये 12 आ जाएगा। इट्स एरिया विल बी, एरिया निकालना है 1/2 × 5 × 12। ठीक है, तो ये मेरा 6, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा 30, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मेरा एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल। ठीक है, एक वृत्त है दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड ए स्क्वायर ऑफ साइड 14। ठीक है, एक स्क्वायर वर्ग है, इसके अंदर जो लार्जेस्ट सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है, इसकी जो साइड है वो 14 है, जो लार्जेस्ट सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ इसके अंदर मुझे क्या बताना है उसका एरिया। ठीक है, आप देखो लार्जेस्ट सर्कल ये ड्रॉ कर दिया, तो इसके जो व्यास होगा, डायमीटर होगा, वो किसके बराबर होगा, 14 की। ठीक है, तो उसकी त्रिज्या रेडियस कितनी आ जाएगी, 7, और 7 त्रिज्या वाले सर्कल का वृत्त का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं सोल्व करूंगा, 22/7 × 7 × 7, ये मेरा आ जाएगा 150। तो आंसर मेरा क्या आ गया, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, वृत्त का, ठीक है, परिधि 2πr, उसमें से क्या माइनस करना है, त्रिज्या, रेडियस। ये किसके बराबर दिया हुआ है, 37। यहां से मेरा आर निकल आएगा, अगर आर निकल गया तो एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आर कॉमन निकल जाएगा यहां से, तो मेरा आ जाएगा 2 × 22/7 − 1 = 37। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 44 − 7/7 = 37। यहां से आर की वैल्यू आ जाएगी 37 × 7/44 − 7 = 37। ये कैंसिल आउट, तो आर की वैल्यू 7 आ गई, यहाँ पे भी आर 7 था, तो एरिया मेरा क्या आ जाएगा, 154 मेरा ए ऑप्शन। ठीक है, टोटल आज हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं मैचुरेशन के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके वीडियो का। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऐसे ही प्रीवियस ईयर प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं मेंसुरेशन का सेकंड पार्ट भी बनाऊं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।